वेलकम टू दिस ऑफिशियल चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के आटे की पिनियाँ और इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें शामिल है मूँगफली मूँगफली की आप अपने हिसाब से रख सकते हैं गुड़ जो हम इसके अंदर डालें वो तकरीबन तीन पाव है गुड़ के अलावा हमें इसमें चाहिए बादाम बादाम के अमाउंट भी आप अपने लिहाज से डाल सकते हैं इसके अलावा हमें चाहिए तेल ये तेल तकरीबन है एक पाव एक प्याली तेल की ये भी एक पाव ही है इसके अलावा हमें चाहिए चावल का आटा यहाँ पर हम एक किलो चावल का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं बड़ी कढ़ाई लेंगे उसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे जो एक प्याली हमने ऑयल लिया था इसको हमने ये कढ़ाई में डाल दिया अब हम इसको हल्का हल्का गर्म होने देंगे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा आटा चावल का आटा जो हमने रखा हुआ था तकरीबन एक किलो इसको डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे अगर इसमें गुठलियाँ बन भी जाती हैं तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने पानी नहीं डाला हुआ तो वो मिक्स करने से मिक्स हो जाएंगी तो इसलिए हम इसको आराम आराम से हल करेंगे चूल्हे की आंच बहुत हल्की रखनी है हमने इस सूजी को थोड़ा सा ब्राउन करना है बस जिस तरह हलवा बनाने के लिए सूजी को ब्राउन किया जाता है बस उसी तरह से हमने इसको हल्का हल्का सा ब्राउन करना है ताकि ये पक जाए देखें तकरीबन ये हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन के अंदर बस ऑयल अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स हो जाना चाहिए और हमारी सूजी हल्की हल्की ब्राउन होनी चाहिए अब हम दोबारा से एक बर्तन लेंगे उसी बर्तन के अंदर हम अपने तेल डाल लेंगे एक पाव तेल लेंगे इसको हम हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे ऐसे ही भून लेंगे इसको बगैर ऑयल के इससे क्या होगा कि ये थोड़े नरम हो जाएंगे क्योंकि ये हीट की वजह से थोड़े फूल जाते हैं तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा इस वजह से हम इसको बस हल्का हल्का भून लेंगे बाकी जो हमारे पास मेवे हैं जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं उसको भी आप इसी तरह भून सकते हैं किसी कपड़े की मदद से हम ये तीला उस आटे के अंदर डाल देंगे जो भी हमने फ्राई किया था इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे मूंगफली इसके अलावा हम इसमें बादाम डाल रहे हैं बादाम को हमने क्रश कर लिया था सारा कुछ मिक्स करने के बाद हम दोबारा से एक बर्तन लेंगे उसी बर्तन के अंदर जिससे हमने ये निकाला था जो पहले भी हल्का हल्का सा था उसके अंदर हम एक कप जो है तकरीबन पानी डाल लेंगे अब हम इसमें शामिल कर लेंगे गुड़ गुड़ तकरीबन तीन पाव है हम इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन चूँकि इसका टेस्ट अच्छा आएगा चूल्हे की यहीं थोड़ी सी ज़्यादा करके हम इसकी चाशनी बना लेंगे तब तक इसको मिक्स करेंगे जब तक कि ये डिज़ोल्व हो जाए पानी के अंदर अब जो हमने मिक्सचर साइड पे बना के रखा हुआ था चावल के आटे का उस सारे को इसके अंदर डाल देंगे जिसके अंदर चावलों का आटा था तेल थे ऑयल डाला हुआ था कुछ पानी आटा डिज़ोल्व कर लेगा और कुछ पानी खुश्क हो जाएगा ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए पहले ठंडा करेंगे और उसके बाद जब हम थोड़ा ठंडा हो जाए हाथ में पकड़ने के काबिल हो जाए तो हम इसको इस तरह से अपनी मर्जी की शेप दे सकते हैं हम इसको यहाँ तकरीबन गोल शेप देने की कोशिश कर रहे हैं हाथ से ही। हमारी आटे की पिन्निया तैयार हैं चावल के आटे की हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें